हम स्टार्ट करते हैं वन बर्ड की नई सीरीज, और ये हमारी इस श्रृंखला की सीरीज की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम आप एक प्रैक्टिस सेट करेंगे एक से दो, जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने आज तक जितने भी वन बर्ड पढ़े हैं उनमें से हमें कितना याद हुआ है। और वो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे, जो विभिन्न एग्जामों में आते हैं। मैंने ये सारे नोट एस पी बख्शी की बुक से तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, वन वर्ड्स आज के जो हैं ये किलिंग और डेथ ऑफ अ पर्सन से रिलेटेड हैं। किलिंग एंड डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी किसी पर्सन की डेथ होती है, मारा जाता है, तो फिर उसे क्या कहते हैं मरता है। तो हमारा इस सीरीज में पहला वर्ड है सिमेट्री। सिमेट्री होता है ग्रेवयार्ड वेयर द डाइड आर बरीड, एक ऐसे चर्चयार्ड जहाँ पर दफनाया जाता है लोगों को मरने के बाद में, उसे बोलते हैं सिमेट्री। तो फ्रेंड, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो सेकेंड वर्ड आता है हमारा कॉर्टेज। कॉर्टेज होता है ए फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मर्नर्स, यानी एक अंतिम संस्कार के समय एक रीति रिवाज निभाए जाने वाला, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, उसे बोलते हैं कॉर्टेज। फिर आता है क्रीमिनेशन ग्राउंड या क्रीमेटोरियम, तो ये होता है प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्मेंड, जहाँ पर सबसे अंतिम परफॉर्म किए जाते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है जिस स्थान पर सबसे लास्ट में, तो उसे बोलते हैं क्रीमेशन ग्राउंड या क्रीमेटोरियम। और आता है हमारा ओबिट्यूरी। ओबिट्यूरी होता है एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज्ड, यानी न्यूज़पेपर में जो छपा होता है किसी के फ्यूनरल का, बीमारी के कारण उसका जो अंतिम संस्कार होता है उसके बारे में जो कुछ भी छपा होता है न्यूज़पेपर में, वो उसे बोलते हैं ओबिट्यूरी। फाइव आता है हमारा एलिजी। एलिजी होता है पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑफ द डेथ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, यानी एक ऐसी पोएम लिखी हुई जिस किसी की भी डेथ पर जिसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उससे बहुत अधिक प्रभावित हैं, और उसकी डेथ पर जो दुख व्यक्त करने के लिए जो पोएम लिखी जाती है, शोक पोएम, वो कहलाती है एलिजी। सिक्स हमारा आता है एपिटाफ। एपिटाफ होते हैं वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टॉम इन द मेमोरी ऑफ द वन बरीड, यानी जो कोई भी दफनाया जाता है उसकी कब्र पर जो शब्द लिखे जाते हैं, जो लाइनें लिखी जाती हैं, उन्हें बोलते हैं एपिटाफ। नेक्स्ट हमारा आता है फेलिसाइड। फेलिसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, यानी एक बच्चे की हत्या क्या कहलाती है, फेलिसाइड कहलाती है, बच्चे की हत्या क्या कहलाती है, फेलिसाइड होती है। मोस्टली ये साइड वाले वर्ड डेथ यानी मृत्यु से रिलेटेड होते हैं, और जो क्रेसी वाले वर्ड देखे थे वो हमने देखे थे गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो कुछ वर्ड होते हैं जो एक ही तरह से उनका मतलब होता है, आगे उनके प्रीफिक्स लगाकर हम उनका सेंस चेंज करते हैं। तो इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड होता है मर्डर ऑफ अ फोर्टस, यानी भ्रूण हत्या, मर्डर ऑफ अ फोर्टस, भ्रूण हत्या क्या कहलाती है, फोर्टिसाइड कहलाती है। फ्रेट्रीसाइड होती है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी भाई की हत्या क्या कहलाती है, फ्रेट्रीसाइड मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। जीनोसाइड होता है मर्डर ऑफ रेस, यानी एक पूरे वंश की हत्या क्या कहलाती है, जीनोसाइड कहलाती है। होमिसाइड होता है मर्डर ऑफ अ मैन एंड वुमेन, यानी व्यक्तियों की हत्या, चाहे वो मानव जाति की हत्या, चाहे मैन हो या वुमेन हो, वो क्या कहलाती है, होमिसाइड। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड होता है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, यानी नवजात शिशु की हत्या, इन्फेंटिसाइड।
मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी माँ की हत्या क्या कहलाती है, मैट्रिसाइड। पेरिसाइड, पेरिसाइड मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी माता पिता दोनों की हत्या क्या कहलाती है, पेरिसाइड। पेट्रिसाइड मर्डर ऑफ वंस फादर, मर्डर ऑफ वंस फादर पेट्रिसाइड पितृ हत्या। रेजिसाइड मर्डर ऑफ किंग और क्यून, राजा और रानी की हत्या रेजिसाइड। सुसाइड, सुसाइड होता है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी अपने आप को मारना, अपने आप की हत्या करना, यह मतलब सुसाइड कहलाता है। अक्सोरिसाइड, अक्सोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या क्या कहलाती है, अक्सोरिसाइड कहलाती है। सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, यानी बहन की हत्या क्या कहलाती है, सोरोरिसाइड कहलाती है। मॉर्ट्यूरी, मॉर्ट्यूरी होता है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, जहाँ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखी जाती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, मॉर्ट्यूरी बोलते हैं। मॉर्ग्यू, मॉर्ग्यू होता है प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी उसकी पहचान के लिए जहाँ बॉडी रखी जाती है, मृतक शरीर को रखा जाता है, वो होता है मॉर्ग्यू। और पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, और इसका सिनोनिम होता है ऑटोप्सी, यानी किसी भी मृतक शरीर को उसका डॉक्टरी निरीक्षण करने के लिए, उसकी मृत्यु का कारण जानने के लिए जहाँ रखा जाता है उसका परीक्षण करने के लिए, उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम उस प्रक्रिया को। फिर हमारे कुछ वन वर्ड आते हैं मैरिज से रिलेटेड, यानी शादी से। तो पहला है हमारा एडल्टरी, एडल्ट्री होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, यानी अधिक वैवाहिक संबंध बनाने की आदत या अभ्यास ये कहलाता है एडल्ट्री कहलाता है। सेकंड आता है एलिमनी, एलिमनी होता है एन अलाउंस पेड ऑफ टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, यानी तलाक के बाद में जो पत्नी को रुपए वगैरह दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, एलिमनी। बायगैमी, बायगैमी होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम, यानी एक ही समय में दो पत्नी या दो हस्बैंड को रखना क्या कहता है, बायगैमी। सेलिबेसी, सेलिबेसी होता है ए स्टेट ऑफ अब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, यानी शादी से ना करना, शादी के समय अनुपस्थित होना, अब्सेंटनेशन सेलिबेसी। कॉन्कुबिनेज, कॉन्कुबाइनेज होता है लिव इन रिलेशनशिप, अ मैन और वुमेन हैविंग विदाउट बीइंग मैरिड, यानी बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहना होता है कॉन्कुबिनेज। फिर होता है मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट होता है वन हु हेट्स मैरिज, यानी शादी से नफरत करने वाला क्या कहलाता है, मिसोगैमिस्ट कहलाता है। MISOGAMIST, मिसोगैमिस्ट क्या कहलाता है, शादी विवाह से नफरत करने वाला। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी होता है स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी शादी करना क्या कहलाता है, मैट्रिमोनी। मोनोगैमी, मोनोगैमी होता है प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, यानी एक समय में एक ही शादी करना, मोनोगैमी। मोनो होता है सिंगल के लिए, मोनो बिल्कुल ऑटो मोनो। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी एक समय में एक से अधिक शादी करना, एक से अधिक पत्नी से शादी करना पॉलीगैमी कहलाता है। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, यानी एक से अधिक हस्बैंड रखना एक ही समय में पॉलीएंड्री कहलाता है, और वाइफ रखना पॉलीगैमी कहलाता है। ये जब पॉली है दोनों में, गैमी और एंड्री, गैमी है तो वाइफ है एक से अधिक, और एंड्री है तो हस्बैंड है, यानी आप इसे हस्बैंड के एंड्री से और वाइफ की गैमी से याद कर सकते हैं। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर होता है ए ओल्डर वुमेन हु इज नॉट मैरिड, यानी एक
शादी लायक युवती जिसने शादी नहीं की हो उसे बोलते हैं स्पिनस्टर। यानी ये जेंडर होता है किसका? बैचलर का। बैचलर का जेंडर होता है स्पिनस्टर। नेक्स्ट हमारे कुछ वन वर्ड आते हैं टाइम डिनोटिंग, यानी डिनोट टाइम पीरियड्स, समय के लिए। तो फर्स्ट है हमारा जिसमें एनुअल। एनुअल होता है हैपनिंग वंस इन अ ईयर, यानी एक साल में होने वाला क्या होता है एनुअल। बायनियल, बायनियल होता है हैपनिंग इन टू ईयर्स, यानी दो साल में एक बार होने वाला क्या होता है बायनियल होता है। ट्राइनियल, ट्राइनियल हैपनिंग इन थ्री ईयर्स, तीन साल में एक बार होने वाला ट्राइनियल। क्वाड्रिनियल हैपनिंग इन फोर ईयर्स, चार ईयर में एक साल होने वाला। क्विनक्वेनियल, क्विनक्वेनियल हैपनिंग इन फाइव ईयर्स, पाँच साल में एक बार होने वाला क्विनक्वेनियल। सिक्स डेसेनियल हैपनिंग इन टेन ईयर्स, यानी दस साल में एक बार होने वाला, होने वाली घटना या होने वाला कोई भी कार्यक्रम क्या होता है डेसेनियल। सेमी सेंटेनियल, सेमी सेंटेनियल होता है फिफ्टींथ एनिवर्सरी, यानी पचासवीं सालगिरह किसी भी फंक्शन की, किसी भी कार्य की क्या होती है सेमी सेंटेनियल। सेनेटेनियल, सेनेटेनियल या सेनेटिनरी होता है हंड्रेड एनिवर्सरी, यानी सौवीं सालगिरह क्या होती है सेनेटेनली। सेस्क्यूसेंटेनियल, सेस्क्यूसेंटेनियल यानी सेंटेनियल क्या होता है सौ साल में और सेस जोड़ दिया इसमें हमने तो 150 एनिवर्सरी। फिर होता है बाईसेंटेनियल, बाईसेंटेनियल यानी बाई का मतलब दो हो गए और सेंटेनियल सौ तो दो साल में। सेम इस तरह ट्राईसेंटेनियल तो 13 एनिवर्सरी, ट्राई जोड़ दिया हमने, ट्राई मीन्स तो होता है तीन है और सेंटेनियल हो गया तो 300 ईयर। टेट्रासेंटेनियल तो टेट्रासेंटेनियल 14th है, 400 साल के रहा। पेंटासेंटेनियल 15th एनिवर्सरी यानी 500 साल गिरा। सेक्सागेनेरियन वन हु इज 16 यानी जो 60 साल का है उसे क्या बोलेंगे सेक्सागेनेरियन, जो 60 साल का है उसे बोलेंगे सेक्सागेनेरियन। सेप्टुआजेनेरियन, सेप्टुआजेनेरियन होता है वन हु इज 17 जो 70 साल का है वो क्या है सेप्टाजेनेरियन। ऑक्टेजेनेरियन वन हु इज 80 जो 80 साल का है वो क्या होना है ऑक्टेजेनेरियन। नोनाजेनेरियन, नोनाजेनेरियन होता है वन हु इज 19 जो 90 साल का है वो कौन है नोनाजेनेरियन। सेंटेनेरियन, सेंटेनेरियन होता है वन हु 100 ईयर्स ओल्ड यानी जो 100 साल का है वो क्या है सेंटेनेरियन। सेंचुरी ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स यानी 100 साल का समय क्या कहलाता है सेंचुरी कहलाता है। और हमारा आज का लास्ट वन वर्ड है मिलेनियम। मिलेनियम होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर यानी 1000 वर्ष का समय क्या होता है मिलेनियम होता है। तो सो फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छे से याद करने के लिए अपने वन वर्ड एक से दो बार जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो इसी तरह के अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं एक प्रैक्टिस सेट के साथ, जिससे जो भी जितना भी आपने अब तक रिजर्व किया जितना भी पढ़ा है याद किया उसका एक टेस्ट भी हो जाए इसी के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट के साथ।